दोस्तों अगर आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पर ब्रांड वैल्यू के साथ फुली फीचर लोडेड स्मार्टफोन परचेस करना है जो कि आपको लाइक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ देखने को मिले, साथ ही आपको काफ़ी अच्छे एडवांस फीचर देखने को मिले, तो आप ये वीडियो देख लेना पूरा विदाउट स्किप किए। इस वीडियो के अंदर टॉप 3 स्मार्टफोन ही सिलेक्ट किए हैं बिकॉज कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से टॉप 3 सिलेक्ट किए हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एनालाइज एंड रिव्यू करने के बाद। बिकॉज 20,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्मार्टफोन हैं जो कि आपको ब्रांड वैल्यू के साथ फुल्ली फीचर लोडेड स्मार्टफोन देखने को मिलते हों। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर टॉप 3 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपको बाय करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है नॉर्ड सीरीज का, वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉर्ड CE3 लाइट। सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो डेफिनेटली आपको टॉप लेटेस्ट देखने को मिलेगा। वन प्लस की ब्रांड वैल्यू के साथ आता है, फीचर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। IPS LCD 6.72 इंचेस की डिस्प्ले है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। चिपसेट इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है, ऑक्सीजन OS 13.1 पर रन करता है। तो आपको टॉप लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ आपको यूजर इंटरफेस भी एकदम टॉप लेटेस्ट देखने को मिलेगा। आप इस स्मार्टफोन को यूज करने के बाद ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसमें आपको 8GB 128GB का बेस वेरियंट देखने को मिलेगा। टॉप वेरियंट आपको 8GB प्लस 256GB का है। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, 3.5 का जैक भी है, तो आप इजीली ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं। OTG सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। 5000mAh की बैटरी है, साथ ही 67 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जर है। 4 लाख के अराउंड आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के हैं। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 195 ग्राम का वेट है, 8.3 mm की थिकनेस है। वन प्लस की ब्रांड वैल्यू के साथ आपको स्मार्टफोन की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी, साथ ही स्मार्टफोन की इन हैंड फील भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस स्मार्टफोन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला H20 फ्यूजन। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड डिस्प्ले भी एकदम फ्लैगशिप है। स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर बताता हूँ। इसमें आपको OLED लाइक OLED 6.7 इंच की डिस्प्ले है। 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट है डिस्प्ले के अंदर। 90Hz का रिफ्रेश रेट है। HDR10+ की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला 800U 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 7 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है। इसमें आपको 6GB 128GB का बेस वेरियंट देखने को मिलेगा। रियर पार्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, लाइक 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस। 4K/30fps में रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 3.5 का जैक भी ऑफर किया गया है, तो इजीली आप ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं। USB Type-C 2.0 देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। प्रीमियम कलर स्कीम देखने को मिलेंगी। इसमें आपको 2 कलर स्कीम ऑफर की गई हैं, इलेक्ट्रिक ग्रेफाइट एंड साइबर टील, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक ये कलर स्कीम आपको ऑफर की गई है मोटोरोला की तरफ से। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको दोस्तों वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन पानी में गिर जाए या फिर थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन के ऊपर पानी गिर जाए, नो डाउट मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्मार्टफोन के अंदर आपको 185 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 8.3 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। इन हैंड फील आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं आप इस प्राइस पॉइंट पर मोटोरोला H20 फ्यूजन को। काफ़ी सारे एडवांस फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है वीवो की तरफ से IQ सीरीज का G7। ये स्मार्टफोन भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर ऑफर किए गए हैं इस प्राइस पॉइंट पर। इसमें आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लाइक AMOLED 6.38 इंच का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ।
HDR 10 प्लस की सपोर्ट देखने को मिलेगी। 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें आपको स्कॉट एक्सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। नो डाउट प्रोटेक्शन आपको काफ़ी अच्छी नेक्स्ट लेवल दी गई है। इसमें ऑक्टाकोर मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला 920 चिपसेट देखने को मिलेगा। 5G 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉयड वर्जन 13 पर भेज है। साथ ही आपको फनटच 13 पर रन करते हुए देखने को मिलेगा। 6GB प्लस 128GB के बेस वेरियंट से आता है ये। साथ ही इसमें आपको UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन के रियर पार्ट में डुअल कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, 4K/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको 3.5 का जैक भी ऑफर किया गया है इस स्मार्टफोन के अंदर। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगी। USB टाइप सी 2.0 OTG सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि काफ़ी अच्छी आपको सिक्योरिटी भी ऑफर की गई है। 4500mAh की बैटरी है एंड 44W की फास्ट चार्जिंग है। इस स्मार्टफोन को आप 1.5% जो है 25 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे। नॉर्वे ब्लू, स्पेसिफिक नाइट, ये दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कलर स्कीम भी ऑफर की गई है VIVO IQ की तरफ से। एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 173 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 7.8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और स्लिम है। तो इन हैंड फील भी आपको लाइक VIVO IQ की ब्रांडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। इन तीनों स्मार्टफोनों में से लाइक कोई सा स्मार्टफोन भी परचेज़ कर सकते हैं आप अपनी प्रायोरिटी या फिर नीड के अकॉर्डिंग। कोई सा भी परचेज कर सकते हैं इन स्मार्टफोनों में से। ये स्मार्टफोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने फीचर्स के बेसिस पर, अपने प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।